नैनीताल के कैची धाम के पास 30 जनवरी को गांव में गुफा में हुई बाबा केशवनाथ गोस्वामी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाबा की हत्या के आरोप में बाबा के सेवादार तीरथ सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सेवादार को नैनीताल जिला न्यायालय में पेश किया तो कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सेवादार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए सेवादार ने बताया है कि घटना वाले दिन बाबा और उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि जिसके बाद बाबा ने पहले सेवादार पर हमला किया और सेवादार को गुफा से भगा दिया। कुछ देर बाद सेवादार वापस लौटा और बाबा के सिर पर लकड़ी से वार कर दिया। को कोतवाली भवाली में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कैची धाम के पास जंगल में एक अज्ञात लोगों के द्वारा लूटपाट करके एक बाबा का खून कर दिया गया और एक व्यक्ति घायल है के यहाँ कमरे से लगभग 1,05,000 रुपये बरामद हो गए थे, जिससे लूटपाट की घटना पूरी तरह झूठी साबित हुई। फिर उसके बाद जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो बार बार इनके द्वारा अपने बयान बदले गए और फिर इनके द्वारा बताया गया कि साहब हाँ मुझसे नशे में ये काम हो गया, जिसमें बाबा ने भी मेरे पर वार किया था जिससे मैं घायल हुआ हूँ और फिर मैंने जब उनके पर वार किया तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई। और इस बीच संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अब इस पूरे विवाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल के कैची धाम के बाद जो बाबा की हत्या हुई उसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाबा के जो सेवक है उसको गिरफ्तार किया है और बाबा के सेवक ने बताया कि उनके किसी विवाद को लेकर बाबा के सिर पर लकड़ी से प्रहार किया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। वहीं पूर्व में जब बाबा की हत्या हुई थी उस समय बताया जा रहा था कि बाबा 101 साल के हैं और फौज से रिटायर हैं, तो उस मामले में पुलिस जांच कर रही थी कि क्या बाबा सही में फौज से रिटायर हैं। तो पता लगा है कि बाबा सही में फौज से रिटायर थे लेकिन 101 साल के नहीं थे और इनके ऊपर अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास का मामला भी की खजीमा कोतवाली में दर्ज है और बाबा ने अपनी पत्नी पर खुगरी से प्रहार कर घर से भाग गए थे और पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे इसीलिए खजीमा से दूर नैनीताल के पास जंगल में बनी इस गुफा में रहकर तपस्या का बहाना कर रहे थे। बिल्कुल गौरव, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस गिरफ्तारी के बाद, वो कितनी बड़ी कामयाबी यहाँ पर मान रही है और अभी तक ये जानकारी मिल पाई है कि आखिर किस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या तक पहुंच गया? गौरव जी देखिए, बाबा आदतन गुस्सैल प्रवृत्ति के थे और लगातार नशे के प्रवृत्ति की भी इनमें थी और चरस पीने के आदि थे, तो इसी दौरान चरस पीने के विवाद को लेकर इन दोनों जो जिसकी हत्या भी है बाबा की वो और जो दूसरा आरोपी है जिसने हत्या की, इन दोनों से चरस को पीने को लेकर विवाद हुआ था और इसी दौरान बाबा की हत्या हो गई। जी चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।